हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रसल अलर्ट। सो गाइस, रोमल ट्रेंस की फिल्म की शूटिंग तो हो चुकी है खत्म एंड जिस हिसाब से वो ट्रेनिंग कर रहे हैं ये देखकर साफ लग रहा है उनका रिटर्न काफी ज्यादा नजदीक है। बट इस वीक के स्मैकडाउन में हमें काफी कुछ बड़ा होते हुए दिखा रिवील रोमल ट्रेंस के रिटर्न से रिलेटेड, तो वो क्या कुछ थिंग है आज के इस वीडियो में मैं उसी के बारे में करने वाला हूँ बात। लेकिन इससे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ क्लैश एट द कैसल के मेन इवेंट से जुड़ी क्या कुछ अपडेट निकल कर आई है। इसके अलावा जिमी उसो के रिटर्न से जुड़ी क्या कुछ बड़ी अपडेट निकल कर आई है। तो गाइस, सबसे पहले हम जिमी उसो के रिटर्न के बारे में कर लेते हैं बात। देन आप सबको पता ही है रेसलमेनिया के बाद की स्मैकडाउन में हमें टामा टोंगा का डेब्यू देखने को मिला था एंड वो और सोलो सिकुआ दोनों ने मिलकर जिमी उसो को कर दिया बाहर। अब वो बाहर क्यों किया वो तो मैंने आप सबको बताया था, बिकॉज जिमी उसो कुछ इंजरी से सफर कर रहे थे। अब वो इंजरी मेजर थी या माइनर उससे रिलेटेड कुछ भी अपडेट नहीं है, अभी तक भी कुछ अपडेट नहीं है। बट हाँ, उनके रिटर्न से जुड़ी ये अपडेट निकल कर आई है कि WWE उन्हें वापस लाने के लिए कर रही है प्रिपेयर, यानी कि उन्हें जो भी अनडिस्क्लोज्ड इंजरी हुई है वो हो चुकी है ठीक एंड वो अब आने वाले है वापस। और ये भी अपडेट है कि वो रिटर्न करने के बाद सोलो सिकुआ एंड टामा टोंगा के अगेंस्ट जाने वाले है अपना रिवेंज लेने के लिए। तो आप सब कह सकते हो काफी टाइम के बाद जिमी उसो के रिटर्न से जुड़ी अपडेट निकल कर आई है। एंड जैसा कि मैंने कहा, रोमल रेंस के रिटर्न से भी जुड़ी काफी कुछ बड़ी चीजें रिवील होते हुए दिखी इस वीक के स्मैकडाउन में, जिसके बारे में मैं थोड़ी देर में बात करने वाला हूं। इसके बाद नेक्स्ट बात कर ली जाए क्लैश एट द कैसल के मेन इवेंट से जुड़ी क्या कुछ अपडेट निकल कर आई है। तो आप सभी को पता ही है अब लगभग 2 हफ्ते का टाइम रह गया क्लैश एट द कैसल के लिए, और इस बार क्लैश एट द कैसल में कुछ ऐसा होने वाला है जो कि आप सब कह सकते हो हिस्ट्री भी बनाने वाला है, क्योंकि आप सब जानते हो जब भी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप एंड वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का मैच हमें सेम नाइट पर देखने को मिलता था, देन हमें वहां पर मेन इवेंट अनडिस्प्यूटेड टाइटल का मैच ही करते हुए दिखता था। जब अनडिस्प्यूटेड टाइटल का मैच नहीं होता था देन वहां पर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मेन इवेंट करता था। बट गाइज, अपडेट्स के अकॉर्डिंग इस बार क्लैश एट द कैसल का मेन इवेंट आप सबको देखने को मिलने वाला है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का मैच। और जैसा कि इस वीक के स्मैकडाउन में एजे स्टाइल्स ने अपने रिटायरमेंट का नाटक किया, जिसके बाद तो कोडी रोड्स काफी ज्यादा इमोशनल भी हो गए थे, बट एजे स्टाइल्स ने एट द एंड उन पर कर दिया अटैक, यानी कि यही मैच आप सबको देखने को मिलने वाला है क्लैश एट द कैसल में। और अब इनकी फ्यूड एक नेक्स्ट लेवल पर जा चुकी है, बट जैसा कि मैंने कहा अपडेट्स के अकॉर्डिंग ये मैच मेन इवेंट नहीं करने वाला, ड्रू मैकइंटायर होम टाउन हीरो है तो उनका ही मैच हमें करते हुए दिखने वाला है मेन इवेंट। और जब मेन इवेंट में होगा ड्रू मैकइंटायर का मैच तो उनके चैंपियन बनने के अच्छे खासे चांसेस रहेंगे। वैसे आपके अकॉर्डिंग ड्रू मैकइंटायर वर्सेस डैमियन प्रीस्ट का मैच करना चाहिए मेन इवेंट या फिर एजे स्टाइल्स वर्सेस कोडी रोड्स का, वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। और अब फाइनली बात कर ली जाए इस वीक के स्मैकडाउन में हमें रोमन रेंस के रिटर्न से जुड़ी क्या कुछ बड़ी चीजें होते हुए दिखी रिवील। तो आप सभी को पता ही है भले अभी रोमन रेंस हमें WWE में देखने को नहीं मिल रहे, लेकिन हर स्मैकडाउन में उनसे रिलेटेड हमें कुछ ना कुछ चीजें पता चलते हुए दिखती है। और इस वीक के स्मैकडाउन में भी ऐसा ही कुछ हुआ, क्योंकि सबसे पहले तो बैक स्टेज में हमें सेगमेंट देखने को मिलता है पॉल हेमन का, जहां पर वो इस न्यू ब्लड लाइन को बोल रहे होते हैं हमें कोडी रोड्स को अंडर कंट्रोल रखना पड़ेगा रोमन रेंस जब करेगा रिटर्न, जिसके बाद सोलो सिकुआ बोलते हैं कि हमारे कंट्रोल में अभी सब कुछ है। जिसके बाद केविन ओवेंस रिंग में जाते हैं और सोलो सिकुआ बोलते हैं पॉल हेमन को कि जाकर इसे हैंडल करने, एंड वहां पर जाकर पॉल हेमन इस न्यू ब्लड लाइन के बारे में बोलते हैं कि ये काफी ज्यादा डेंजरस है, ये एक क्रिमिनल टाइप का ग्रुप है, ये कुछ भी कर सकते हैं, ये मेरी नहीं सुनते, ये जो भी चाहे वो करके रहेंगे। जिसके बाद वो बोलते हैं कि रोमन रेंस भले तुम्हारा राइवल हो लेकिन वो तुम्हारी तारीफ हमेशा करते रहता था, यानी कि रोमन रेंस केविन ओवेंस की रिस्पेक्ट करते थे बट इस ब्लड लाइन के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं करता केयर। जिसके बाद केविन ओवेंस बोलते हैं कि ब्लड लाइन ने मुझे हमेशा से ट्रबल पहुंचाने की कोशिश की है, उस ब्लड लाइन की मैं थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट भी करता था बट इस ब्लड लाइन की मैं कुछ भी नहीं करता रिस्पेक्ट। और गाइस, यहां से WWE ने काफी कुछ कर दिया है बड़ा, क्योंकि WWE ने ब्लड लाइन को 2 पार्ट में कर दिया है डिवाइड, यानी कि एक तरफ तो ये न्यू ब्लड लाइन है और एक तरफ है रोमन रेंस की ब्लड लाइन। और जैसा कि रोमन रेंस की ब्लड लाइन को एक अच्छा ग्रुप दिखाया जा रहा है अभी, जिस तरह से केविन ओवेंस ने बोला कि वो उनकी करते थे रिस्पेक्ट, तो यहां से गाइस ये बात हो चुकी है साफ कि रोमन रेंस वापस आने वाले हैं एक फेस की तरह। और वी वांट रोमन के जो चैंट लग रहे लगातार उससे तो ये चीज साफ ही हो रही है, और मे भी हो सकता है रोमन रेंस का हमें बिग डॉग वाला कैरेक्टर देखने को मिल जाए, या फिर क्या पता बिग डॉग और ट्राइबल चीफ का एक तरह से मिक्सचर देखने को मिल जाए। एंड यस, जिमी उसो के रिटर्न के बारे में तो मैंने आप सबको बताया ही कि उनका रिटर्न अब बस होने वाला है। सो अब रोमन रेंस, जिमी उसो एंड जे उसो का रियूनियन काफी ज्यादा नजदीक है, लेट्स सी कि ये चीज WWE कब करती है। एंड जैसा कि मैंने कहा, रोमन रेंस की फिल्म की शूटिंग हो चुकी है खत्म एंड उनकी ट्रेनिंग करने वाली वीडियो भी सामने निकल कर आई है, तो समर स्लैम से पहले उनका रिटर्न होने वाला है ये बात तो कंफर्म ही है। लेकिन गाइज, आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना आप किस रोमन रेंस को देखना ज्यादा पसंद करोगे, ट्राइबल चीफ को या फिर द बिग डॉग को। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।